नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके, फ्रेश एकदम तगड़ा। आज की जो वीडियो होगी गाइस, आप तो पहले ही थंबनेल देख लिए होंगे। थंबनेल में वही मिलेगा जिसके लिए आप मेरे वीडियो को क्लिक किए हो। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ आज की वीडियो की बात करेंगे। जो आज का वीडियो है, आप कौन सी ऐसी 5 चीज़ करेंगे जो आपको वर्कआउट से पहले काफ़ी परफेक्ट होगा और इफ़ेक्टिव होगा। काफ़ी लोग होते हैं जो वर्कआउट से पहले वैसे कोई भी चीज़ नहीं करते हैं, सिर्फ खाते हैं, चले जाते हैं वर्कआउट पे। तो वैसी आज 5 चीज़ करेंगे जो आपको करनी चाहिए वर्कआउट पे। ओके, तो चलते हैं वीडियो पे। तो फर्स्ट थिंग मैं जो आपको रिकमेंडेड करूँगा वो होगा बीट रूट जूस। ये एथलेटिक्स न्यूट्रिशन पावर है जिसमें आपको मिलता है एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी। ये आपको ब्लड फ्लो में एंटीऑक्सीडेंट पावर को बढ़ा देता है जिससे हमें आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ओके, ये आपको फर्स्ट थिंग्स लेना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ पे चलते हैं, आपको क्या लेना है। वार्म अप। जब वार्म अप आप नहीं करोगे तो आप ठीक तरह से एक्सरसाइज नहीं कर सकते और जॉइंट और मसल पे अननेसेसरी स्ट्रेन आएगा। ओके, अगर आप वार्म अप करोगे तो आपकी बॉडी टेम्परेचर ठीक रहेगा। ओके, फिर बात आती है आप कौन सा वार्म अप करोगे। तो आप 3 वार्म अप कर सकते हो, जैसे कि आप साइकिलिंग कर सकते हो, ट्रेडमिल कर सकते हो और क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं। ये आपको 5 से 10 मिनट करना है वर्कआउट से पहले। और मेरा सजेस्ट रहेगा कि जो और वर्कआउट आप आज करोगे, जैसे कि आज आप बाइसेप कर रहे हो तो आप लाइट वेट से आप पहले बाइसेप का एक सेट मार लेंगे लाइट वेट से। ओके, उसके बाद अपना एक्सरसाइज करेंगे। ओके, ये था अपना दूसरी थिंग्स। और चलेंगे तीसरी, कौन सी चीज़ है आपको वर्कआउट से पहले करनी चाहिए, उस पर चलते हैं। तो तीसरी चीज़ आती है वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन प्री वर्कआउट मील। आपको वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट मील में आपको कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन लेना है जिससे आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है, आपकी बॉडी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो जाता है। अगर आप केला खाने का शौकीन हो तो आप केला खा सकते हो। अगर आप वर्कआउट से पहले आपके पास टाइम नहीं है तो आप ले सकते हैं चावल, ले सकते हैं आलू, ले सकते हैं। ओके, ये सारे आपको वर्कआउट से आधा से एक घंटा पहले लेना है। और आपको इसके साथ प्रोटीन भी लेना है जिससे आपका एनाबॉलिक परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। ओके, प्रोटीन से आपके मसल की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है और आपकी मसल बेटर रिकवरी करता है। ओके, तो चलते हैं अपने चौथे पॉइंट्स पे। वो मज़ा आया, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके वर्कआउट से पहले। ओके, तो चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। तो चौथी चीज़ है वो होगा आपको प्री वर्कआउट एंड वर्कआउट के बीच का गैप। इसमें काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि आप कुछ खाते हैं और सीधे जिम के लिए रवाना हो जाते हैं, जिससे आपको ये होता है कि आपका डाइजेस्ट अच्छा से कुछ भी नहीं हो पाता है और नहीं आप माइंड ठीक तरह से वर्कआउट पे देख पाते हो या नहीं वर्कआउट में आप जो पहले खाए हो उस पे। तो समझ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्कआउट में पहले जो आप खाए हो उसमें आपको 20 से 25 मिनट गैप रहना चाहिए जिससे आपका फुल डाइजेस्ट हो जाए जो भी आप खाए हो, उसके बाद आप वर्कआउट पे करोगे। ओके, तो चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट एंड लास्ट और पांचवी थिंग्स पे जो आपको करना है। ओके, पांचवी चीज़ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो होगा आपका ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी में आपको मिल जाता है कैफीन जो आपको वर्कआउट के समय आपको अलर्ट और कंसंट्रेशन बढ़ाता है, जिसमें आपका एनर्जी हाई होता है और आप ध्यान से वर्कआउट पे ध्यान लगा के करते हो। ओके, आपको वर्कआउट को इसमें ध्यान रखना है कि आपको 25 से 30 मिनट पहले आपको ब्लैक कॉफ़ी पीना है। ओके, जिससे आपका फुल एफर्ट के साथ पूरा ध्यान लगा के अपने वर्कआउट पे ध्यान दे। ओके, आपको वर्कआउट से पहले कि एक गिलास कॉफ़ी नहीं पी लेना है, आपको 5 से 6 मिलीग्राम आपको वर्कआउट की ज़रूरत होता है, तो आपको उतना ही पीना है। ओके, और याद रहे कि आपको ब्लैक कॉफ़ी ही पीना है विदाउट शुगर या नेचुरल शुगर। ओके, तो ये था हमारा आज का पॉइंट जिसमें आपने 5 थिंग्स देखा जो आपको वर्कआउट से पहले करना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, वो भी पावरफुल एक्सरसाइज के साथ, पावरफुल थिंग्स के साथ जो आपको वर्कआउट में हेल्प करेगा। वैसा ही वीडियो लाएंगे जो आप घर पे कर सकते हो या वैसा ही चीज़ बताएंगे जो आपको करनी चाहिए वर्कआउट के दौरान। ओके, तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें अच्छी अच्छी रील आती है, अच्छी अच्छी वर्कआउट की वीडियो आती है, वहाँ पे आप काफ़ी अच्छी तरह सीख सकते हो।
तो वहाँ पे जरूर फॉलो करिएगा। और अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मस्त वीडियो लाएंगे घर पे एक्सरसाइज का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।